प्रोग्राम के तहत काउंसलर हेमलता शर्मा हेमा की टीम ने जिला अस्पताल कैंपस का गहरा मुआयना किया। इस दौरान यहां मरीजों के तीमारदार और उनके साथ आए लोग पान मसाला खाते हुए मिले। इस पर हेमलता शर्मा ने कई लोगों पर जुर्माना लगाया और कई लोगों के कान पकड़कर माफी मंगवाते हुए कईयों से उठक बैठक भी लगवाई। गलती हो गई, रसीद कटवाओ, 200 रुपए की रसीद कटवाओ। कैसे तुम बैठ के गंदगी की, तुम्हारा घर अस्पताल में कोई कमी हो जाए तो तुम लोग को शिकायतें कर देते हो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो बैठ के? पैसे हैं पक्का बताओ, सही बताओ, रुपए कान पकड़ो, 10 रुपए नहीं लगाओ तो दोबारा गलती नहीं करेंगे। हम लोगों ने धारा 4 के तहत पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट अस्पताल परिसर में खाते हुए पकड़े जाने लोगों को, क्योंकि यहाँ पे खाते हुए पकड़े जाने पे 200 रुपए का जुर्माना है। पहले लोग कहते थे कि हमने थूका नहीं है, लेकिन अभी कम से कम आप खुद चेक करके देखिए, हॉस्पिटल में करीब 16 से 17 जगह पे लिखा हुआ है कि पान पुड़िया गुटखा उक्त का सेवन करते हुए पकड़े जाने पे 200 रुपए का जुर्माना है। उसी धारा 4 के तहत हम लोगों ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, जहाँ पे जो लोग मिले उनके रसीदें काटी। कुछ लोग बीड़ी पीते मिले, कुछ लोग पुड़िया खाते मिले, कुछ लोग थूकते भी मिले। जिसके पास जैसा था उस हिसाब से हम लोगों ने रसीदें काटी, पनिश किया, हिदायत दी और छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके लिए हमने अपना रूम बताया है कि आप लोग छोड़ना चाहते तो आप हमारे पास आइए, एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी जितनी भी सुविधा हम लोगों से हो सकती है हम लोग पूरी देते हैं, और हम लोग पूरे जिले के लिए हैं। और लोगों को ये भी बताते हैं कि आप किसी गैर के हाथों डरिएगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना है कि यहाँ पे जो आए हुए तीमारदार होते हैं उनके पास कोई एक आता है, वो जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है और डराता है, तुम बीड़ी पी रहे हो चलो बाहर, और उसके बाद उनसे 2000-4000 रुपये लेता है। हमारी लिमिट 200 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं है, कम कर सकते हैं लेकिन 200 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हम और हमारे सोशल वर्कर अक्सर इस तरह अनुमानो हम लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में जाते हैं, वार्ड से शिकायत आती है, सब जगह नंबर दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज बेड पे लेटा है, हड्डी टूटी है और खा रहा है, वहीं पे थूक रहा है। जिला अस्पताल में हुई इस तरह की कार्यवाही सुर्खियों का सबब बनी हुई है। वाजे रहे कि तंबाकू, सिगरेट और गुटखा सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और अस्पताल जैसे कैंपस में तंबाकू गुटखे का इस्तेमाल दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। सुनिए, अस्पताल तो तुम्ही लोगों का है ना, और तुम्ही लोग तो गंदा करते हो।